करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल को मानो कोई ग्रहण सा लग गया है। आए दिन यहाँ के अलग अलग फ्लोर से कभी भागने की कोशिश की जाती है, कभी आत्महत्या का प्रयास या फिर कूदने की धमकी देने के मामले सामने आते रहते हैं। गत दिवस रात एक 35 साल के रूबल नाम के व्यक्ति ने चौथे फ्लोर से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। डॉक्टर्स और पुलिस के मुताबिक व्यक्ति शराब पीने का आदी है, उसका लीवर खराब है और वो यहां जब भर्ती हुआ तो उसका कोरोना का टेस्ट भी हुआ जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसकी जानकारी उसे भी दे दी गई थी। लेकिन वो हॉस्पिटल में था, उसे शराब नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। आपको बता दें कि ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब किसी ने यहां से छलांग लगाई हो। इससे पहले एक शख्स ने छठे फ्लोर से भागने की कोशिश की थी, जिसका पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरे युवक ने पांचवें फ्लोर की खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दी थी और कल रात को चौथे फ्लोर से व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तीनों का ही कोरोना टेस्ट हुआ था और तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिलहाल पुलिस युवक और उसके परिवार वालों के बयान भी लेगी और जांच करेगी कि युवक ने यह कदम क्यों उठाया है। एक लीवर डिजीज का पेशेंट है, लगभग उसका 90% लीवर पहले ही शराब से खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जो शराब के मरीज हैं उनके घर वाले उनका ध्यान रखें, क्योंकि एकदम से शराब ना मिल पाने के कारण या एकदम से जैसे अभी शराब की दुकानें खुली हैं, कई बार शराब पेशेंट ज़्यादा पी लेता है या दूसरी क्वालिटी की पी लेता है, तो इस चीज़ों में हमें उनके ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अस्पताल में मनोचिकित्सक की ड्यूटी लगाई गई है, इस तरह के मरीजों को देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि देखने में सामने आया, जो तीनों मरीज ने जो इस तरह की कोशिश की है वो सारे शराबी थे। तो ऐसे तो ये भी पता लगाया जाएगा सीसीटीवी फुटेज में शराब किसने लाके दिया, कौन दोस्त था इसका, अभी ये कहा ही नहीं जा सकता उसने शराब ली है नहीं, लेकिन वो बता रहा है लेकिन उसकी विश्वास नहीं किया जा सकता। उसका स्टेटमेंट है वो तो ये भी कह रहा है कि मैं एडमिट नहीं हूँ यहाँ पे जी, वो ये कह रहा है कि मैं तो अभी 10 मिनट पहले आया हूँ, लेकिन जबकि वो जो वार्ड बॉय असिस्टर है वो बता रहे हैं कि कल ये एडमिट हुआ था, कल इसका टेस्ट करा गया था। तो उसके जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर ये दावा किया जा सकता है कि इसकी जो मानसिक हालत है वो ठीक नहीं है। ये बता दिया गया था कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हाँ, ये उसको दोपहर में बता दिया। कौन से फ्लोर से सर कूदा है? फोर्थ फ्लोर से कूदा है। क्या कोरोना का संदिग्ध मरीज था वो? कोरोना का टेस्ट किया गया था, क्योंकि आजकल ज्यादातर मरीज जो किसी भी थोड़ा सा 1% भी जिसमें डाउट लगता है जो अस्पताल में आता है उसका कोरोना का टेस्ट पहले किया जाता है। तो कोरोना का कल संदिग्ध था तो इसलिए उसका टेस्ट किया गया, उसका नेगेटिव रिपोर्ट थी। कहाँ का रहने वाला है, कुछ नाम वगैरह? करनाल का है जो बता रहा है, प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन जो जिस तरह से अभी वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है तो वो उस पे अभी यकीन नहीं किया। क्या एज वगैरह सर? 30-35 साल। तो डॉक्टर जी सर, अभी तक यही पता चला है कि ये रूबल नाम का व्यक्ति था, अवतार सिंह का, सदर बाजार करनाल का रहने वाला है और ये कल एडमिट हुआ था। इसका लीवर डैमेज है उसका है, जो इसकी फाइल देखी गई इसमें लीवर डैमेज है इसका 90%, उसका इलाज चल रहा था। तो कल इसको आइसोलेशन वार्ड में भी रखा गया था, तो कल इसका कोविड टेस्ट भी हुआ था, तो कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई थी। और इसको बता भी दिया गया था कि भी तुम्हारा जो कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। तो आज ये फोर्थ फ्लोर के ऊपर इसको मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट किया गया था ताकि वहाँ पर जो मेडिकल से रिलेटेड इसकी दवाइयाँ हैं नॉर्मल वो चलती रहें। लेकिन अब बता रहे हैं कि भी शाम को ये खिड़की के पास कुछ हो सकता है कि भी शराब पीने का आदि था, लीवर डैमेज था, हो सकता है कि भी थोड़ा पजल हो गया हो, मेंटली अपसेट हो गया हो और ये वहाँ से गिरा है या इसने गिरने की कोशिश करी है ये तो नहीं कह सकते अभी। तो अब हालत कैसी है इसकी सर? अभी हालत इसकी ये है कि भी इसको मामूली सी हेड इंजरी भी है और फ्रैक्चर्स बाजू में भी है और पैर में भी है। रिपोर्ट नेगेटिव आई थी इसकी? हाँ, रिपोर्ट इसकी नेगेटिव आई थी, उसको बता भी दिया गया था। करनाल का रहने वाला? हाँ, ये करनाल सदर बाजार का रहने वाला। तो अभी तो ये भी बता रहा है कि शराब इसके दोस्त ने लाके दी, शराब के कारण ये सारा हुआ है, तो उसकी भी जांच की जाएगी कौन दोस्त था जो हॉस्पिटल में इसको शराब लाके देके गया। देखिए ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर है, डॉक्टर इसका टेस्ट करेंगे इसने शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है, और अगर पी रखी है तो इसको शराब किसने दी ये मैं कहूँगा कि भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का इंटरनल मैटर है कि भी वो चेक करे कि भी अगर इतनी नेग्लिजेंसी हुई तो इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना अगर किसी को भी हो जाता है तो इस तरह से कोई घबराने की जरूरत नहीं है? तकरीबन पेशेंट यहाँ पर 4 से 5 दिन एडमिट रहने के बाद बिल्कुल ठीक होकर गए हैं। हाँ, इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे करनाल में ज़्यादातर रिकवरी ही हुई है, किसी ऐसी कोई आई नहीं है हमारे पास कि भी किसी मरीज की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई हो। तो मैं तो ये अपील करूँगा कि भी जो भी अगर किस तरह उसको आया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ 4-5 दिन के अंदर डॉक्टर्स अच्छा उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी रिकवरी हो जाती है। तो बिल्कुल।
एक और मामला सामने आया है, दो मामले पहले आ चुके हैं कि चौथी मंजिल से एक मरीज ने नीचे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, क्या जानकारी मिल पाई है सर? ये एक रूबल नाम का व्यक्ति था, रूबल सन ऑफ अमर सिंह, ये सदर बाजार एरिया का रहने वाला था और ये 5 तारीख को ये एडमिट हुआ था। ये अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आदत थी तो ये एडमिट हुआ था, इसका लीवर टोटली डैमेज हो चुका था तो इसको मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट किया गया था और अल्कोहल की तलब की वजह से इसने वहाँ से कूद कर भाग ली। तो कोरोना का टेस्ट हुआ था इसका? हाँ, इसका टेस्ट हो चुका था, वो नेगेटिव थी रिपोर्ट। तो ये बताया गया कि शराब भी इसने पी है, 2 पैक भी इसने दोस्त से शराब मंगाई, ऐसी कोई बात भी सामने आई? ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कैंपस के अंदर कोई शराब नहीं मंगाएगी। शराब पीने की इसकी इतनी आदत थी, इसका लीवर टोटल डैमेज हो चुका था। फिलहाल हालत पीना चाहता था इसलिए वहाँ से भागने की कोशिश। फिलहाल हालत कैसी है सर? हालात ठीक है, हालत ठीक है। तो सर ऐसे लोगों से एक मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना से संबंधित कई लोग सामने आते हैं जो इस तरह का प्रयास करते हैं, और जबकि हमने देखा कि खुद यहाँ की जो डॉक्टर अंजलि हैं, नर्स है, वो बिल्कुल ठीक होकर दोबारा से पेशेंट्स का इलाज कर रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती ऐसे पेशेंट्स को? बिल्कुल कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, और जो ये प्रेजेंट केस है इसका कोरोना के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये बेसिकली एक टोटल अलग इशू जी, ये शराब की लत की वजह से तंग था और ये इसने भागने की कोशिश जी, कोरोना का स्ट्रेस नहीं था। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि कोरोना क्या है कि अगर आप ठीक तरीके से दवाई लेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तो वो नहीं, सभी ठीक होकर जा रहे हैं जितने भी पेशेंट्स आए हैं। हरियाणा की जो रिकवरी रेट है वो हमारी सबसे ज़्यादा। बिल्कुल सर, चोटे कहाँ लगी? चोटे उसको बेसिकली जब वो गिरा है तो उसके लेफ्ट साइड में लगा हुआ। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.